भारत में बिक रहे गंदे से गंदे स्ट्रीट फूड जिसे लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं। टॉप 5 स्ट्रीट फूड के बारे में हम आपको बताएंगे जो लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। आपने ठेले पे से आलू टिक्की तो जरूर खाई होगी। आलू से बनाई जाने वाली टिक्की भारत में काफी मशहूर है जो चटनी और मिर्च मसाले के साथ काफी तीखी और स्वादिष्ट लगती है। कई ठेले वाले आलू टिक्की को बड़े ही गंदे तरीके से बनाते हैं, जैसे कि आप इस ठेले वाले को देख रहे हो, ये कितने गंदे तरीके से टिक्की बना रहा है। और तलने के बारे में तो क्या ही कहना है, एक तेल को ये बार बार उस टिक्की में इस्तेमाल करता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, मगर कुछ ठेले वालों की वजह से सबका नाम खराब हो। और दूसरा है समोसा। समोसा भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला एक फूड है। कई समोसे वाले तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, मगर कई ठेले वाले समोसे बड़े ही गंदे तरीके से समोसे बनाते हैं, जिसकी वजह से ये भारत के सबसे गंदे स्ट्रीट फूड वाले बन जाते हैं। सबसे पहले आप ये समोसे बनाते हुए वाले की एक वीडियो देखें। सबसे पहले समोसे वाला जिस तेल में समोसे को तलता है उस तेल को वो बार बार यूज करता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एक ही तेल में बार बार समोसे को तलते हो तो ये शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि समोसे बनाते वक्त ये ना ही क्लब्स का इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने हाथों से ही ये समोसे की वो मैस करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरे नंबर पर आती है कचौड़ी। आपने कई बार सड़क के किनारे ठेले पर कभी ना कभी एक बार कचौड़ी तो खाई होगी। क्या आपने कभी ये देखा है कि वो कचौड़ी कैसे बनती है? क्या इसमें बनाते वक्त स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है? आपने कोलकाता में मशहूर कचौड़ी वाले काका को तो देखा ही होगा। ये बहुत ही गंदे तरीके से कचौड़ी बेचते हैं और फिर भी इनकी दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। आप ये वीडियो देख सकते हो जो कचौड़ी वाले काका की बहुत ही ज्यादा वायरल वाली वीडियो है। और चौथे नंबर पर आता है पेठा। जी हाँ दोस्तों, पेठा, आगरे का पेठा तो आपने नाम सुना ही होगा, मगर क्या आपने जानने की कोशिश करी है कि ये बनता कैसे है? तो चलिए हम आपको ले जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से उस फैक्ट्री में जहां से ये बनकर तैयार होकर आता है। और ये देखिए, जिस बर्तन में ये पेठा बना रहा था उसी बर्तन में ये अपने हाथ और मुंह को धो रहा है। अगर आपको कोई भी मिठाई खानी है तो पहले उसकी स्वच्छता का ध्यान अवश्य रख ले। और पांचवें नंबर पर आता है हमारा गोलगप्पा। जी हाँ दोस्तों, भारत में महिलाएं गोलगप्पे बड़े ही चाव से खाती है। भारत में गोलगप्पे बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड कहलाता है। आपको हर गली नुक्कड़ पर गोलगप्पे का ठेला दिखाई जरूर देगा, जो गोलगप्पे बनाते समय स्वच्छता का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कई बार तो गोलगप्पे वाले बिना ग्लव्स के ही पानी को मिलाते हैं, और आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कैसे ये चाचा अपने हाथ से पानी को मिला रहे हैं, उसके बाद भी लोग बड़े ही चाप से खा रहे हैं। स्ट्रीट फूड खाते वक्त हमेशा स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें।